आराम मेरे प्यारे भाई बहनों और बुजुर्ग लोगों, आप सबको मैं सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। 23 मई की पूर्णमासी है। पूर्णमासी को सत्यनारायण कथा करने से भगवान जी हमारे ऊपर बहुत कृपा करते हैं, सुख शांति और समृद्धि हमको प्रदान करते हैं। इसलिए हमें हर पूर्णमासी को कथा करनी चाहिए। वैसे तो पंडित जी से करवाते हैं कथा, अगर पंडित जी से नहीं करवा सकते हैं तो हम खुद उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं कि भोग में पंजीरी बनाएं और चरणामृत बनाएं। केले का फल जरूर होना चाहिए, केले की पूजा हो के पत्ते होने चाहिए। इसी विधि विधान से विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है पूर्णमासी वाले दिन। तो अपने घर में भी सत्यनारायण भगवान की कथा हम कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं, हम एक एक अध्याय करके मैं डाल रही हूँ, तो उस अध्याय को आप सुनिएगा। दो अध्याय मेरे पहले डल चुके हैं, तीसरा अध्याय मैं आज सुनाऊंगी। अगर आपको पहला अध्याय और दूसरा अध्याय सुनना है तो भक्ति मार्ग पर जाके आप निकाल के ये पहला सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय सुन सकते हैं। चलिए अब तीसरा अध्याय। पहले बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वेश आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, आपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे इस संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृ गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई, यानी कि बड़ी हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि
तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है। कलावती बोली, हे माता मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जामे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत के से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावो भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वेश अपने घर को चल दिए। ये था तीसरा अध्याय। जय सिया राम। आप सभी एक एक अध्याय करके सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनिए। जय सिया राम। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जय सिया राम।